हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहित मंसूर और वेलकम करता हूँ आपको कैपिटल ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डुओ की। ये एक ऐसा फ़ोन है या फिर टैबलेट है या फिर ऐसा लैपटॉप है जो कि फोल्डेबल स्क्रीन के साथ आता है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियोज आप जल्द से जल्द देख सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डुओ के डिजाइन की। बैक और फ्रंट की बात करें तो दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से। फ्रेम की बात करें तो वो स्टेनलेस स्टील का प्रोवाइड किया गया है। बैक पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का लोगो मिल जाता है। सरफेस डुओ की वेट की बात करें तो वो 250 ग्राम है। सरफेस डुओ की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाला 8.1 इंचेस का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि 1800x2700 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ आता है और इस डिस्प्ले को प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से। फोल्डेड पोजीशन में बात करें कि जब फोन फोल्ड होता है तो जब इसके डिस्प्ले का साइज 5.6 इंचेस हो जाता है। इसके प्रोसेसर और प्लेटफॉर्म की बात करें तो सरफेस डुओ एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 की चिपसेट मिल जाती है जो कि 7nm पे रन करती है। ऑक्टा कोर CPU है और एड्रीनो 640 का GPU भी प्रोवाइड किया गया है। रैम और रोम की बात करें तो सरफेस डुओ में आपको 6GB ऑफ रैम के साथ 128GB ऑफ स्टोरेज मिल जाती है या फिर 6GB ऑफ रैम के साथ 256GB ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। SD कार्ड स्लॉट की बात करें तो वो प्रोवाइड नहीं किया गया। UFS 3.0 का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है। मेन कैमरा की बात करें तो आपको 11MP का f2.0 अपर्चर वाला वाइड कैमरा मिल जाता है जो कि 4K की वीडियो को रिकॉर्ड करता है 30 और 60fps पे, 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड करता है 30 और 60fps पे और इसमें आपको जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी प्रोवाइड की गई है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो फोल्डिंग मैकेनिज्म होने की वजह से मेन कैमरा ही एज अ सेल्फी कैमरा वर्क करता है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3577mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी और बाकी सारे नॉर्मल सेंसर्स मौजूद हैं। इस फोन के रिलीज डेट की बात करें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हो जाएगा। और आखिर में बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस है $1400। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।